स्वीकार करके उस सम्मान को सम्मानित करेगी, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। जी हाँ, हिंदुस्तान में जब भी कृषि जगत का इतिहास लिखा जाएगा आपका नाम सुनहरे अक्षरों में होगा। आपके योगदान को न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के कई मुल्कों ने सराहा है। चुनिंदा लोग ही दुनिया को बदलने का मादा रखते हैं, और जब उनके किए काम सबसे साधारण किसान के घर में भी समृद्धि ले आए तो समझने में देर नहीं लगती कि वो शख्स खुद कितना असाधारण होगा। 2020 तक हर हिंदुस्तानी को दो वक्त की रोटी मिलेगी, हर किसान समृद्ध होगा, कृषि जगत एक बार फिर देश की इकोनॉमी को रफ्तार देगा, देश के युवा एक बेहतर भविष्य की उम्मीद लिए कृषि क्षेत्र में अपनी भागीदारी बढ़ाएंगे। मुमकिन है आज के सपने कल की हकीकत हों। हमारे भरोसे की वजह हैं आप जैसे कृषि वैज्ञानिक जो हम में इन सपनों को जीने का आत्मविश्वास जगाते हैं। डॉक्टर परोदा, हम जिस मिशन 2020 की बात कर रहे हैं, आप जैसे वैज्ञानिक उसके सूत्रधार हैं। आज भी हमारे देश में किसान जो उगाता है उसका उसे बाजार भाव के हिसाब से 10 से 25 फीसद तक ही मिल पाता है। आपकी हमेशा से कोशिश यही रही है कि कृषि विज्ञान को समाज की जरूरतों से इस तरह जोड़ दिया जाए ताकि जो भी नीति बनाई जाए उसका फायदा समाज की कड़ी में आखिरी पायदान पर खड़े लोगों तक जरूर पहुंचे। जीन रिसर्च के क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए काम मील का पत्थर साबित हुए हैं, तभी तो आज हम गर्व से कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक जीन बैंक हमारे देश में है। कजाकिस्तान ने तो अपने जीन बैंक का नाम ही आपके नाम पर रख दिया। कृषि क्षेत्र में आपके अमूल्य योगदान के लिए राष्ट्र ने आपको प्रतिष्ठित सिविलियन सम्मान पद्म भूषण से नवाजा। डॉक्टर परोदा, हम खुशनसीब हैं कि हमें आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कृषि शिरोमणि सम्मान से सम्मानित करने का गौरव मिला है। मेरा हमेशा एक सपना रहा था, जब से फिल्म फेयर अवार्ड हम देखते रहे, कि क्यों नहीं कृषि में भी इस तरह का कोई स्टेज पे आयोजन हो। वो तो आपका मनोरंजन करते हैं, हम तो आपको खाना खिलाते हैं, और उसको कभी तो कोई इज्जत दे। इस तरह का आयोजन आपने कृषि में उन्नति के लिए जो शुरू किया है, ये एक बहुत सराहनीय कदम है। और अब हम नम्र निवेदन करेंगे समारोह के मुख्य अतिथि श्री तारिक अनवर जी से कि वो भी किसानों की आज हौसला अफजाई करें। चंद शब्द जरूर कहें तारिक अनवर जी। मैं समझता हूँ कि इंसान अगर मेहनत करता है तो थोड़ा उसकी इच्छा होती है कि हमें प्रोत्साहित किया जाए, हमारी शाबाशी हो, उससे उसका हौसला उसका हिम्मत बढ़ता है। तो जो काम आप कर रहे हैं यकीनन हमारे कृषि के क्षेत्र में उससे बहुत लाभ मिलेगा, और जो हमारा लक्ष्य है, इस देश का जो लक्ष्य है, एक स्वावलंबी और खुशहाल भारत का जो सपना हम देखते हैं, शायद वो सपना हमारा पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। और आखिर में आप, मैं गुजारिश करूंगी श्री पवन गोयनका जी से कि वो कृपया आगे मंच पर आएं वोट ऑफ थैंक्स के लिए। किसान भाइयों और अन्य विजेताओं को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ आने के लिए। उनकी जो इंस्पायरिंग स्टोरी है, जो राइज स्टोरीज है, उन सब से हम काफ़ी प्रभावित हुए हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू योर कंटिन्यूड सपोर्ट एंड वी मीट नेक्स्ट ईयर विद द फोर्थ एडिशन ऑफ द महिंद्रा समृद्धि इंडिया ग्री अवार्ड 2014। अगेन थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर टुनाइट। तो इस खूबसूरत शाम का हिस्सा बनने के लिए, इस शाम को और यादगार बनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।